केदारनाथ धाम कैसे जाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, खर्चा कितना आता है, सामान क्या क्या लेके जाएं। सबसे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं केदारनाथ यात्रा करने से पहले, ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के जहन में आते हैं। तो आज मैं आपके ये सारे सवाल दूर करने वाला हूं कि बाबा केदारनाथ की यात्रा से पहले आपको क्या का तैयारी करना है, क्या का सामान लेके जाना है, सारे क्वेश्चन आपके दूर करने वाला हूं। बाबा केदारनाथ धाम जाना सबसे आसान है। आप जहां भी हैं उस जगह से सबसे पहले आप पहुंचिए हरिद्वार। जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे, फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद आप करिए गंगा स्नान, और गंगा स्नान करने के बाद यहां से आप यात्रा कर सकते हैं केदारनाथ धाम की। यहां से आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट केदारनाथ यहाँ से ना जाएं, हरिद्वार से जाइए आप गंगा स्नान करने के बाद ऋषिकेश, क्योंकि वहां तक आप गए हैं तो आप ऋषिकेश भी घूम के आइए। और ऋषिकेश में जाके सबसे पहले आप देखिए कि आप गंगा आरती कहाँ होती है। तो ऋषिकेश में सबसे जो अच्छी गंगा आरती होती है, वहाँ 2 या 3 जगह गंगा आरती होती है, और सबसे जो बेहतर गंगा आरती होती है जो मैंने देखा है वो होती है परमार्थ निकेतन आश्रम पर। तो वहाँ पे आप गंगा आरती करिए बढ़िया। शाम को 7 बजे वह गंगा आरती होती है, तो वहाँ जाके बढ़िया गंगा आरती करिए। और माँ गंगा की आरती अद्भुत होती है वहाँ, आप दुनिया भूल जाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल आप कहेंगे कि यार ये तो हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए। तो आप वहाँ जाके गंगा आरती करिए। परमार्थ निकेतन एक आश्रम है, उस घाट पर जाइए आप, और सबसे बहुत बढ़िया तरीके से गंगा आरती वहाँ होती है जो मैंने वहाँ देखा। आप गंगा आरती करने के बाद थोड़ा घूमिए ऋषिकेश, और रात्रि विश्राम करिए यहाँ पर, कहाँ ऋषिकेश में। अब यहाँ से ऋषिकेश से आपको यात्रा करना है केदारनाथ बाबा की। तो केदारनाथ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सोनप्रयाग। कि आपको केदारनाथ जाने के लिए कोशिश करिए कम से कम आपके पास लगेज हो, एक सिंगल बैग हो जो आप पीठ पर टांग सके, क्योंकि चढ़ाई होती है वहाँ, और चढ़ाई के लिए आपको कम से कम सामान रखना होता है। जैसे आप ऋषिकेश में रहेंगे, ऋषिकेश में बहुत सारे लोग आएंगे सामान बेचने वाले, रेनकोट ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ से आप कुछ भी मत खरीदिए। आप सोनप्रयाग जैसे गौरीकुंड पहुंचेंगे, वहाँ सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। 100-100 रुपये में आपको रेनकोट मिल जाते हैं, तो यहाँ से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। खाने पीने का सामान ज्यादा मत रखिए। अब आप लगेज में कोशिश करिए कम से कम आपके पास सामान हो। और इसके बाद सर्दी का सामान, वहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो सर्दी के लिए आपको सूटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग सर्दी पड़ती है तो आपको वहाँ जाके सूटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद रेनकोट आपको वहीं मिल जाएगा। खाने का सामान कोशिश करिए ना रखो, क्योंकि सारी चीज़ें खाने की बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, बड़े आसानी से वहाँ मिल जाते हैं, तो आपको खाने का सामान वहीं मिल जाएगा। रात्रि में विश्राम करने के लिए ओढ़ने बिछाने का सामान आपको जरूरत नहीं है। बिछाने के लिए आप एक चटाई या दरी रख सकते हैं, बाकी ओढ़ने के लिए आप जहां भी रुकेंगे वहां सामान आराम से अवेलेबल हो। रजिस्ट्रेशन की समस्या आती है, तो रजिस्ट्रेशन की फिक्र ना करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जैसे ही केदारनाथ पहुंचेंगे, केदारनाथ मंदिर के बाहर ही रजिस्ट्रेशन का काउंटर लगा हुआ है जहां आपका वेरिफिकेशन होता है, वहां जाके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रास्ते में बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले मिलेंगे, कि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। जिसको दिक्कत भी आती है ऑक्सीजन की, जिसको प्रॉब्लम है, उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से यात्रा हो जाएगी। अब आप ऋषिकेश से यात्रा करने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, जो लगभग पर व्यक्ति 1,000 रुपये के आसपास पड़ती है, या आप पर्सनल टैक्सी करके भी जा सकते हैं, या आप बस से अगर आप जाना चाहें तो सुबह यहाँ से 5 बजे से बसें जाना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ आप टिकट बुक कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार की बसें चलती हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं उनसे भी जा सकते हैं आप। बस से जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, 5 बजे के आसपास बस यहाँ से निकलती है। टिकट लेने के लिए आपको 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँचना पड़ेगा बस स्टैंड, वहाँ टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और टिकट तुरंत बुक हो जाते हैं, तो वहाँ जाके आप टिकट बुक कर लीजिए। अब आपकी यात्रा लगभग लगभग 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की यात्रा होने वाली है। बस छोड़ेगी आपको सोनप्रयाग, रास्ते में बस बहुत सारी जगह रुकेगी, नाश्ता करने के लिए रुकेगी, चाय पीने के लिए रुकेगी, तो आप ये टेंशन मत करिए कि यहाँ से आप एकदम नाश्ता भर लीजिए या फिर खाने पीने का सामान भर लीजिए, रास्ते में रुकती रुकती बस जाती हैं। अब आपको जब सोनप्रयाग पहुंचने वाले होंगे तो बस आपको सोनप्रयाग प्रॉपर नहीं छोड़ेगी, सोनप्रयाग से लगभग लगभग 2 किलोमीटर पहले आपको सीतापुर में बस स्टैंड है,
जहां बस सारी रुकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल कार से भी जाता है तो उसको कार सीतापुर में ही खड़ी करना पड़ता है। बहुत बड़ा पार्किंग वहां पे एरिया है, बस का बस स्टैंड है बहुत बड़ा, तो बस सीतापुर में रुकती है और सीतापुर में ही पार्किंग एरिया बना हुआ है जहाँ आपको पर्सनल गाड़ी कार करके भी अगर आप ले जाते हैं तो आपको सीतापुर ही छोड़ना पड़ता है। यहाँ से आपको लोकल टैक्सी पकड़ के सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होता है। अब सीतापुर से लेके सोनप्रयाग तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आप टैक्सी ऑटो करने की सोचेंगे भी तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला उसका, क्योंकि चल ही नहीं पाते, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इसलिए 1.5-2 किलोमीटर है, आप पैदल यात्रा कर लीजिए। फिर आप जैसे सोनप्रयाग पहुंचेंगे, थोड़े से और आगे जाएंगे, वहां से आपको मिलेंगी लोकल टैक्सी जो 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेके आपको जाएंगी गौरीकुंड तक। और ये टैक्सी भी रास्ते में बहुत ज़्यादा कई बार ट्रैफिक हो जाता है तो कई बार हमको पैदल भी जाना पड़ता है, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो ये 5-6 किलोमीटर का एरिया है सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक, तो ये एरिया हमें टैक्सी से जाना पड़ता है। अब जैसे ही आप गौरीकुंड पहुँचेंगे, गौरीकुंड में जाके आपको यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए आपको अगर आप टाइम से पहुँच जाते हैं और यात्रा बंद नहीं होती है तो आप यात्रा प्रारंभ कर दीजिए, और लगभग लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते हैं, उस हिसाब से आप टाइम देख के यात्रा प्रारंभ करिए, वरना आप नाइट हॉल्ट गौरीकुंड करिए। यहाँ आपको होटल लेना पड़ेगा, आम जगह नहीं है जहाँ आप आराम से रह सकते हैं, ठंड सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जैसे ही आप पहुँचते हैं तुरंत कोई होटल बुक कर लीजिए। होटल बुक करके अपना सामान रखिए बढ़िया, और सामान रख के थोड़ा घूमना फिरना कर लीजिए। यहाँ गौरीकुंड है, गौरीकुंड के दर्शन करिए बढ़िया, और वहाँ जाके स्नान भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। यहाँ से आपको यात्रा प्रारंभ होगी नेक्स्ट अगले दिन सुबह, तो आराम से होटल लेके रुक जाइए, जल्दी सो जाइए, और सुबह उठ के 2 बजे या 3 बजे उठ के जल्दी जल्दी स्नान करिए, और स्नान करके यहाँ से निकल जाइए अपने केदारनाथ भगवान की यात्रा पर। यात्रा में आपको लगभग लगभग 6-7 घंटे लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो रास्ते में आपको बांस की छड़ी मिलेंगी, बेचने वाले मिलेंगे, तो आप छड़ी जरूर ले लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा सहारा होता है। खच्चर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो खच्चर से अगर किसी को जाना है तो खच्चर से भी जा सकते हैं। जिस किसी की पैदल चलने की शक्ति नहीं है वो खच्चर से जा सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कोशिश करिए पैदल चलिए। खच्चर पर इतनी चढ़ाई चढ़ना, और कई बार स्लिप हो जाते हैं, खच्चर गिर जाते हैं, हाँ जल्दी यात्रा हो जाती है नो डाउट, लेकिन वाकई में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए पैदल जाइए और आप यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जिसकी शक्ति नहीं है तो खच्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका रोजगार है। हम लोगों को दया आती है कि नहीं यार ये खच्चर बैठेंगे या फिर इनको ये मार रहे हैं, इनको खींच रहे हैं, तो वो उनका रोजगार है। अगर उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो वो लोग वहाँ खच्चर रखना भी छोड़ देंगे, तो खच्चर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आप यात्रा प्रारंभ करिए, रास्ते में आपको चाय नाश्ता खाने पीने का जो भी सामान लगे सारा सामान उपलब्ध हो जाएगा बहुत आसानी से। पानी आपको ज़्यादा स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में अवेलेबल हो जाएगा, आप अपनी बॉटल भर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ महंगाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट सामान का करना बहुत कठिन होता है, तो थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, 10 रुपये की चीज़ 20 में मिलने लगती है, थोड़ा महंगा हो जाता है यहाँ। फिर आप यहाँ से रास्ते चलिए और आपको लगभग लगभग 6-7 घंटे बाद आप पहुँच जाएंगे बाबा केदारनाथ के दरबार में। जैसे ही आप केदारनाथ धाम पहुँचेंगे, केदारनाथ धाम के बाहर ही एक आपको रजिस्ट्रेशन का ऑफिस दिख जाएगा, टेंट लगा हुआ है जहां आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड से वहां लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िए और दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए, क्योंकि भीड़ अभी बहुत हो रही है और हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है भीड़, तो लाइन में तुरंत लग जाइए। ये मत सोचिए कि इतनी लंबी लाइन है, ये जो भी कुछ है, आप वहाँ जाके लाइन में लग के 3-4 घंटे आपको लगेंगे, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको VIP तरीके से दर्शन करना है, VIP पूजन पाठ के लिए एक अलग से प्रक्रिया है, वहाँ जाके आप रसीद कटवा सकते हैं और VIP एंट्री से भी जा सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, आपके बजट के अनुसार है आप कैसे जाना चाहते हैं। फिर केदारनाथ धाम पहुँचिए, दर्शन करिए बाबा के, और यहाँ दर्शन
करने के पहले भी आप रुकने की व्यवस्था ढूंढ सकते हैं, जहां आप अपना सामान रख सकते हैं, अच्छे आराम से दर्शन कर सकते हैं। एक कैंप मिलते हैं जो तंबू टाइप के होते हैं, पर व्यक्ति 300-400 रुपए, 500 रुपए, जैसा आपको सुविधा चाहिए वैसे मिल जाते हैं। वहां अपना सामान रख सकते हैं और दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद लौट के आइए, बढ़िया भंडारे चलते हैं, वहां भंडारे में भी खाना खा सकते हैं और आप पर्सनली भी कहीं खाना भोजन कर सकते हैं। इसके बाद शाम शाम को आप यहीं रुकिए बढ़िया, और बाबा केदारनाथ धाम में केदारनाथ भगवान की आरती जो शाम की होती है वो देखने लायक होती है। बढ़िया वहाँ शाम का नज़ारा बहुत सुंदर होता, अद्भुत होता है। वहाँ बाबा केदारनाथ की रात्रि की आरती करिए। आरती करने के बाद बढ़िया भोजन करिए, भंडारे चलते हैं, वहाँ भंडारे में कर सकते हैं, पर्सनल भी कहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप बढ़िया यहाँ रात्रि विश्राम करिए और अगले दिन सुबह अपने केदारनाथ से वापस की यात्रा प्रारंभ करिए, और वापस वही गौरीकुंड होते हुए, जैसे आप गौरीकुंड आएंगे, गौरीकुंड से आप फिर टैक्सी पकड़िए, टैक्सी से सोनप्रयाग जाइए, सोनप्रयाग से फिर आप उतरना पड़ेगा, 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर आपको सीतापुर से फिर बस पकड़ लीजिए या टैक्सी पकड़ लीजिए। आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो हरिद्वार वापस आ जाइए, ऋषिकेश वापस जाना चाहते हैं ऋषिकेश वापस चले जाइए, और आपकी यहाँ यात्रा समाप्त होती है। बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करना बहुत आसान है। इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम मैं उस कमेंट का कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर बात करते हैं खर्चे की, एक व्यक्ति को कम से कम 5,000 रुपये यहाँ खर्चा आने वाला है यात्रा करने का, आना जाने का लगभग लगभग 5,000 रुपये में आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय।